हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस कैसे आप लोग सो दिस इज़ अ वीडियो रिगार्डिंग कैलकुलेटर्स एज यू कैन सी देर टू कैलकुलेटर्स इन फ्रंट ऑफ मी आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस इन फॉर यू बिफोर दैट आई विल टेल यू कि ये वीडियो है ओ लेवल्स के लोगों के लिए इसमें मैं कुछ फीचर्स तो बताऊँगा जो आप लोगों के लिए नेसेसरी फीचर्स हैं कुछ फीचर्स मैं बताऊँगा जो आप लोगों को नहीं पता होते और समटाइम्स वो यूजफुल होते हैं सो लेट्स लुक एट बोथ ऑफ द कैलकुलेटर्स फर्स्ट जो मेरे राइट हैंड साइड पर ये वाला जो कैलकुलेटर है दिस वन इज़ एफेक्स एटी टू एम एस दिस इज़ अ बेस लेवल कैलकुलेटर ये मैं फर करता हूँ आप पेपर में लेके जाएं क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ऑब्जेक्शनेबल हो और ये बहुत यूजर फ्रेंडली और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा कैलकुलेटर है मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड पर कैलकुलेटर है दिस कैलकुलेटर इज अ वेरी एडवांस टॉप ऑफ द क्लास नाइन नाइनटी ठीक है इसमें बहुत ज़्यादा सारे फंक्शन हैं और एट टाइम्स मोर देन वॉट यू एक्चुअली नीड इसमें कुछ चीज़ें ऑब्जेक्शनेबल है भी हैं देर आर सम थिंग्स जहाँ पे फाइन लाइन अगर इनविजलेटर ड्रॉ करना चाहे तो आपको ये वो रोक सकता है यूजुअल प्रैक्टिस नहीं है ये रोकना लेकिन एट टाइम्स ऐसे ही अपने आप को खतरे में डालने वाली बात है सो व्हाट इज अ गुड स्ट्रैटेजी देन द गुड स्ट्रेटजी इज टू टेक वन ऑफ ईच टू द पेपर आपको वैसे भी एक बैकअप कैलकुलेटर चाहिए होता है तो एक आप बेस लेवल कैलकुलेटर ले जाए जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना उठाए और एक आप एडवांस अगर आपको अगर आप एडवांस लेके जाना चाहते हैं वैसे मैं प्रेफर नहीं करता किसी भी बच्चे को एडवाइस करना बट स्टिल सम पीपल आर यूजिंग दीज सॉर्ट ऑफ कैलकुलेटर्स बहुत पहले से तो आप इस तरह का एक एडवांस ले जाए और यही एक कैलकुलेटर नहीं है देर आर मैनी अदर मॉडल्स एज वेल ओके सो लेट्स बिगिन आपको कुछ चीज़ें सबसे पहले जो आनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसे ही कैलकुलेटर आपने ऑन करना है मैं बेसिक फंक्शन के ऊपर बात नहीं करूँगा मैं सिर्फ जो रेलिवेंट चीज़ें हैं उनके ऊपर बात करूँगा सबसे पहली चीज़ वेन एवर यूर गोइंग टू यूज़ योर कैलकुलेटर फॉर द फर्स्ट टाइम आपने अपना कैलकुलेटर सबसे पहले रीसेट करना सीखना है अब रीसेट कैसे करते हैं कैलकुलेटर अगर हम 82 टू को रीसेट करने के लिए जाएंगे तो वो होगा जी शिफ्ट मोड थ्री और इक्वल टू बटन प्रेस करें तो ये रीसेट हो जाता है दोबारा इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ये वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा इसी तरह नाइन को अगर रीसेट करना है तो उसके लिए है जी शिफ्ट नाइन थ्री इक्वल टू और दोबारा इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ये दिस इज इन द वर्किंग कंडीशन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो कि आप जब भी कैलकुलेटर अपने पाउच से निकालें यू नेवर नो आपका कैलकुलेटर किस कंडीशन में आपके पाउच के अंदर पड़ा रहा है किस तरह के बटन्स दबते रहे हैं आप उसके ऊपर बैठ के थे या क्या हुआ था तो कुछ भी हो सकता है इसलिए प्लीज़ अपने कैलकुलेटर को जब भी आपने यूज करना है तो आपने सबसे पहला काम करना है अपने कैलकुलेटर को रीसेट करना है Once you have done that, let's move to some other functions as well. सबसे common function जो O level के लिए हम use करते हैं वो है pi का button. तो pi का button दोनों calculators में same जगह पर होता है और वो होता है shift और सबसे नीचे वाली row में middle button जो होता है इसको इक्वल प्रेस करेंगे तो ये पाई का सिंबल भी आ जाता है एज यू कैन सी वैल्यू भी आ जाती है अगर मैं नाइन नाइन्टी वन पर भी करूँगा शिफ्ट और सबसे नीचे वाली रो में मिडिल बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें पाई की वैल्यू देगा और अगर हम इसकी दूसरी वैल्यू निकालें तो एस टू डी वाली फॉर्म से हमारे पास उसकी डेसिमल वैल्यू भी आ जाएगी सो so ये हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास, पास पाई का फंक्शन आ गया वंस यू नो पाई वॉट पाई इज़ गोइंग टू डू अब हम आपको एक और फंक्शन सिखाते हैं जो आपके लिए बड़ा रेलिवेंट है वो बटन यूज़ होता है टाइम को एड या सब करने के लिए और वो दोनों कैलकुलेटर्स पे सेम जगह पे होता है इफ वी कैन सी दिस ईएनजी बटन इसके ऊपर ये वाला बटन आप देख रहे होंगे मैं ज़ूम इन करवाता हूँ। ये इसमें सर्कल्स इस, uh, और कुछ कॉमास बने हुए ये हम वैसे तो ये डिग्री के पोर्शंस कर रहा होता है लेकिन हम इसको टाइम के लिए यूज कर सकते हैं फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ टाइम 3.25 आवर्स सो so, मैं 3.25 पॉइंट लिख के इक्वल टू प्रेस करता हूँ तो दीज आर 3.25 पॉइंट आवर्स बट अगर मैं पता लगाना चाहता हूँ ये टाइम मिनट्स और सेकेंड्स में कितना है तो मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दिस से थ्री आर फिफ्टीन मिनट्स एंड जीरो सेकेंड्स सिमिलरली दूसरे कैलकुलेटर के ऊपर भी यही है अगर मेरे पास थ्री पॉइंट टू फाइव लिखा हो और मैं ये वाला बटन प्रेस करूंगा तो ये भी थ्री आर फिफ्टीन मिनट्स एंड जीरो सेकेंडस में उसको कन्वर्ट कर देगा इसी तरह यही बटन हमें ऐड और माइनस करते हुए भी काम आता है फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैड टू एड वन आर ट्वेंटी फाइव मिनट्स थ्री सेकेंड्स वन आर अब वन के बाद ये वाला बटन दबाएंगे तो ये वन आर काउंट कर लेगा इसको ट्वेंटी फाइव मिनट्स फिर से बटन दबाएंगे फिर काउंट कर लिए मिनट्स काउंट कर लिए थ्री सेकेंड्स और इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ थ्री आवर्स फिफ्टी फोर मिनट्स एंड टू सेकेंड्स तो आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको आंसर दे देगा फाइव आर फोर्टीन मिनट नाइन्टीन मिनट्स एंड फाइव सेकेंड्स ठीक है सिमिलरली दूसरे कैलकुलेटर के ऊपर भी एग्जैक्ट सेम है तो आई विल नॉट डू द एग्जैक्ट सेम फंक्शन क्योंकि बटन सेम जगह के ऊपर है उसको दोबारा रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा और राइट सो एक तो आइडिया ये हो गया हमारे पास तो पहली चीज़ हमने सीखी पाई का बटन सीख लिया दूसरी चीज़ हमने सीख ली टाइम को कैसे कन्वर्ट करना है टाइम देख लिया अब आप में से जो लोग साइंस स्टूडेंट हैं आप लोगों के लिए कुछ दो तीन फंक्शन है मेरे पास जो आपके लिए यूज़फुल होंगे देर आर थ्री फंक्शन जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होंगे सबसे पहला बटन है ये ई एन जी वाला बटन ई एन जी वाला बटन ये क्या करता है ये हमें आ, जो हमने नोटेशन किलो मेगा मिली माइक्रो नैनो की नोटेशन सीखी होती हैं ये उनके अंदर मूव करने के लिए हमें अलाउ करता हैं सो फॉर एग्ज़ाम्पल एफ आई हैव अ नंबर टू फिफ्टी फोर ट्रिपल ज़ीरो अगर आप ये ई एन जी वाले बटन को प्रेस करेंगे तो आप नोटिस करेंगे आपको फॉरन नोटेशन के अंदर ले जाता है जो टेन की पावर्स में होती है सो आप नोटिस करें टेन की पावर इस टाइम पे थ्री है इसके पास हमें पता है टेन की पावर थ्री किलो होता है अगर आप फिर से ई एन जी का बटन को प्रेस करेंगे तो ये पावर को जीरो कर देगा ये थ्री थ्री से चेंज करेगा फिर प्रेस करेंगे तो ये टेन की पावर माइनस थ्री कर दिया अब इसलिए ये मिली आ गया फिर प्रेस करेंगे तो ये माइक्रो में ले जाएगा अगर ये छोटा नंबर होता तो माइक्रो माइनस सिक्स आता और फिर माइनस नाइन आता मैं एक और नंबर के साथ आपको दिखा देता हूँ सो इफ दिस वॉज थ्री तो पहले थ्री की पावर जीरो फिर माइनस थ्री दोबारा प्रेस करेंगे अगर माइनस सिक्स हो जाएगी दिस इज माइक्रो इतने माइक्रो और फिर दोबारा प्रेस करेंगे तो ये उसमें चली जाएगी नैनो में चली जाएगी और अगर आप बिगर पावर्स में जाना चाहते हैं तो आप शिफ्ट के साथ ये वाले बटन को प्रेस करें तो वो पावर थ्री से इंक्रीज़ करना शुरू कर देती है सो so, अब जैसे यहाँ पे ज़ीरो है, तो शिफ्ट से अगर मैं इंक्रीज़ करूँगा सो दिस इज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो थ्री अब टेन की पावर थ्री है यहाँ पे, दिस विल बी अ किलो ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो थ्री किलो सो अगर फिर दोबारा प्रेस करते हैं तो ये अब हो जाएगा टेन की पावर सिक्स है यहाँ पे दिस विल बी मेगा ठीक है और फिर दोबारा करते हैं तो दिस विल बी गीगा और फिर अगेन अगर आपके पास यहाँ पे ए छोटा नंबर है तो वो टेरा में भी जा सकता है सो so, ये वाली जो पावर रिटेन की ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर मूव करती है जिसके अंदर वो हमें प्रिफेक्सेस के साथ चलाती है मिली माइक्रो नैनो और इसी तरह पॉजिटिव के अंदर किलो मेगा और गीगा के अंदर तो ये दोनों बटन दोनों कैलकुलेटर्स के ऊपर सेम जगह पर नाइन नाइन्टी वन के ऊपर भी ये वाला बटन यहीं पर ई एन जी का बटन है दिस बटन इज़ यूज टू कीप अस इन द प्रिफेक्सेज जो हमने डिड्यूस किए होते हैं साइंसिस में हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं मैथ्स में भी हम कभी कभी यूज़ करते हैं बट मेजरली एक साइंसिस का फंक्शन है एक और फंक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ वो फंक्शन दोनों जगह के ऊपर डिफरेंट बटनस के साथ है तो मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा हमारा कैलकुलेटर हमें अलाउ करता है कि हम उसको फिक्स कर सकते हैं एक स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ डेसिमल प्लेसेस पे फॉर एग्जाम्पल आप कोई काम कर रहे हैं और आप कन्फ्यूज़ हो गए कि मैंने इस चीज़ को अगर थ्री डेसिमल प्लेस पर कन्वर्ट करना है तो उसका आंसर क्या होगा सो फॉर एक्ज़ाम्पल इफ यू हैव टू पॉइंट नाइन नाइन सिक्स फाइव ठीक है और आप चाहते थे आप इसको थ्री डेसिमल प्लेस पे लिख लें और अभी देखें क्योंकि ज़्यादा सर नाइन हैं तो आप कंफ्यूज हो गए कि थ्री डेसिमल प्लेस पे क्या होगा उसके लिए एक बड़ा अच्छा इधर फंक्शन होता है अगर आप नाइन एटी टू एम एस पर मैं पहले दिखा देता हूँ फिर मैं आई एल शो यू नाइन नाइन्टी वन पर कैसे करते हैं तो अगर आप मोड का बटन दो दफ़ा प्रेस करें तीसरी दफ़ा प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फिक्स का बटन आ रहा होता है सो तो ये फिक्स जो होता है ये हमें बताता है कि हम फिक्स कर सकते हैं हमने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फ़िक्स कर सकते आई डोंट नो वो वर्ड किस लिए यूज़ करते हैं लेकिन काम यही करता है तो नंबर वन और अब ये जीरो से नाइन तक आपसे इनपुट पूछेगा तो अब आपने इसको बताना है कि आप कितने डेसिमल प्लेसेस पे इसको करना चाहते हो फॉर इंस्टेंस मैं उस नंबर को थ्री डेसिमल प्लेस पे रखना चाहता हूँ तो मैं इसको थ्री चूज़ कर लूँगा और अब ये देखें उसने तो इस नंबर को थ्री रेसमल प्लेस पर कन्वर्ट कर लिया ना द प्रॉब्लम दिस दस अब इसने आपके कैलकुलेटर को परमानेंटली थ्री रेसिमल प्लेस पर कन्वर्ट कर दिया हुआ है so, सो अगर आप कहीं पे भी लिखेंगे ट्वेल्व पॉइंट फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो ये आपके आंसर्स को सिर्फ थ्री रेसिमल प्लेस पर रखेगा अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो या तो आप वहाँ से फिक्स को जीरो कर दें यहाँ पे अगेन आप शिफ्ट मोड और थ्री प्रेस करके इक्वल टू प्रेस कर दें और रीसेट कर लें सिमिलर एग्जांपल आ जाए 991 पे देख लें ये वाला बटन कहाँ पे होता है 991 के ऊपर शिफ्ट और मोड का बटन हम प्रेस करेंगे और हमें यहाँ पे सिक्स ऑप्शन मिलेगी फिक्स की हम चूज़ कर लेंगे वो अगेन हमसे पूछेगा कितने डेसिमल प्लेसेस पे रहना है से मैं वन डेसिमल प्लेस पे रहना चाहता हूँ ये मेरा अब कैलकुलेटर वन डेसिमल प्लेस के ऊपर फिक्स हो गया है सो इफ़ यू हैव ट्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्स एट नाइन तो बेटा ये देखिए ट्वेंटी थ्री पॉइंट सेवन आ जाएगा सिमिलरली अगर मैं करता हूँ साइन ऑफ जीरो पॉइंट थ्री टू सॉरी साइन ऑफ साइन एनवर्स ऑफ से ज़ीरो पॉइंट फोर फाइव तो ये आप मेरी एंगल्स को वन डेसिमल प्लेस पे देना शुरू कर देगा क्योंकि अब हमारा कैलकुलेटर जो है वो फिक्स्ड है वन डेसिमल प्लेस के ऊपर ये वन डेसिमल प्लेस से बाहर नहीं जाए सो यू हैव टू बी केयरफुल विद दिस एज वेल ये ना हो कि आप किसी एक पार्ट के लिए करें और आप बाद में भूल जाएँ और आप सारे आंसर्स वन डेसिमल या टू डेसिमल प्लेस के ऊपर लेके आते नहीं सो विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी तो यहाँ पर आपको Uh, उसको रीसेट करना ज़रूरी है दोबारा तो एक तो ये फंक्शन हो गया हम अपने डिसमल बेसिस फिक्स कर सकते हैं सिमिलरली हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म भी फिक्स कर सकते हैं हम हम देखना चाहें अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर अपने फिक्स करना चाहें तो हम अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स और स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर उसको फिक्स कर सकते हैं सो so वो किस तरह करते हैं वो सैंटिफिक नोटेशन के अंदर अगर हम लेके जाना चाहें तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन और हमें बताना होगा कितने सिग्नीफिकेंट फिगर्स पे चाहिए फॉर एग्जाम्पल फ़िजिक्स में अक्सर टू सिग्नीफिकेंट फिगर स्टैंडर्ड फॉम या थ्री सिग्नीफिकेंट फ़िर्स स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए होता है सो लेट्स सी वो कैसे करते हैं पहले एटी टू के ऊपर आ जाए अगर इफ़ यू एटी टू एम तो यहीं पे दो तीन दफ़ा वो प्रेस करेंगे पहला वाला जो था वो फ़िक्स था वो डेसिमल प्लेसेस को फिक्स करता है और दूसरा वाला जो है बेटा वो साइंटिफिक नोटेशन को फिक्स करता है सो so अगर आप इसको चूज़ करेंगे अब लेट सपोज मैं कोई फिजिक्स का क्वेश्चन कर रहा हूँ जिसमें मुझे टू सिग्निफिकेंट फिगर स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए तो मैं यहाँ पे टू सेलेक्ट कर लूँगा अब ये मेरे सारे आंसर्स को टू सिग्निफिकेंट फिगर और स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेगा साइंटिफिक नोटेशन में रखने की कोशिश करेगा सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव ट्वेंटी फाइव हंड्रेड एज एन आंसर तो ये ट्वेंटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड नहीं देगा ये टू पॉइंट फाइव इंटू टेन इट्स पर फोर देगा ठीक है सो so ये आपको ऑटोमेटिकली आंसर उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देगा अगेन बी केयरफुल इससे पूरा कैलकुलेटर आपका इसी फॉर्मेट में चला जाता है अब आप अगर बाद में भी कोई कैलकुलेशन करोगे ट्वेंटी ये इस तरह की कोई कैलकुलेशन करोगे सो so वो आपके साथ ये होना शुरू हो जाएगा सेवन एट नाइन फाइव आएगा तो वो उसको सेवन पॉइंट नाइन एट टू टेन इट्स पर थ्री देना शुरू कर देगा वो फिक्स हो जाएगा उसके अंदर तो आपको इससे बाहर जाना है तो क्या करना है अगेन रीसेट करें शिफ्ट मोड थ्री और इक्वल टू एंड यूर आउट ऑफ दैट अब आप नॉर्मल आंसर्स अपने जो हैं वो उसी तरह से नॉर्मल मोड में आ गए हो नाइन नाइन्टी वन के ऊपर यही वाले बटन्स जो हैं वो कहाँ पे अवेलेबल होते हैं नाइन नाइन्टी वन के ऊपर ये वाले बटन्स अवेलेबल हैं शिफ्ट और मोड से शिफ्ट और मोड करेंगे हम तो यहाँ पे सिक्स के ऊपर फिक्स था और सेवन के ऊपर है जी साइंटिफिक नोटेशन अगेन यहाँ पे इसको मैं बताना चाहूँगा फॉर इंस्टेंस मैं थ्री सिग्निफिकेंट फिगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना चाहता हूँ सो इफ आई हैव वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह कोई भी रैंडम नंबर है सो so, ये देखें इसको अब ये थ्री सिग्निफिकेंट फिगर और स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेगा इसको ठीक है और साइंटिफिक नोटेशन में इसको रखेगा अगेन आपने बाहर वापस आना है तो शिफ्ट नाइन थ्री एंड क्लियर ऑल सो हम सारी सारी चीजें क्लियर कर देंगे यहाँ से अच्छा एक और नेक्स्ट बटन है जो ए लेवल्स में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ए लेवल्स में हमें ई e की पोजीशन चाहिए होती है ई e की वैल्यू चाहिए होती है सो ए लेवल्स में ई e की वैल्यू शिफ्ट और एल एन के बटन से आती है तो ये हमारे पास ई e आ गया अगर आपको खाली ई e की वैल्यू चाहिए तो आप पावर में वन ऐड कर लें तो ये आ जाएगा टू पॉइंट सेवन वन एट इसी तरह यहाँ पर शिफ्ट के साथ जब ई e हम यूज़ करते हैं 82 टू में तो यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है ई e, और यहाँ पे हमें पावर में वन ऐड करेंगे तो ये अगेन यहाँ से ई आ जाएगा यहाँ पे अल्फा के साथ भी ये आ जाता है इस जगह पे वो भी सेम होता है उसके लिए भी सेम चीज़ होती है बाद में आप पावर ऐड कर सकते हैं 991 में अल्फा के साथ जो ई होता है वो नीचे पाए वाले बटन के साथ होता है तो वहाँ से भी आप ई को रिट्रीव कर सकते हैं तो ये हमारे पास कुछ आइडियाज़ हैं जिसको आप कैलकुलेटर्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत हो एंड दीज आर वेरी यूजफुल फंक्शंस इफ़ यू चूज़ देम वाइजली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है यहाँ से इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन बेनिफिट एज वेल इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज टू आस्क कोई और बटन के बारे में आप पूछना चाहते हो कोई और फंक्शन जो आपको नहीं पता और आप यूज़ करना सीखना चाहते हो डू लीव अ कामेंट बिलो एंड विल ट्राई टू मेक अ वीडियो इन दैट एज वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग